नमस्कार दोस्तों, आज के लाइव सेशन में फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज के लाइव सेशन में हम बात करने जा रहे हैं देश के वरिष्ठ चित्रकार विश्व विख्यात। कनेक्ट होता। नमस्कार सर, हम आपको देख नहीं पा रहे। ओके, नमस्कार। फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लेट ऑडियो में आप अभी देख सकते हैं मेरे को? जी सर, जी। हाँ, ओके, शुक्रिया। थैंक यू सर आज के लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आज आप इस लाइव सेशन में आए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो शिक्षक हूँ और मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सर, हम शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन से जिसमें हम आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या बचपन से ही आप कला के तरफ कलाकार बनना चाहते थे, और या फिर कैसे आप कला के तरफ झुकते गए? बचपन में नहीं बोलूंगा, बचपन बोला तो 5-6 साल की उम्र का बचपना बोलते हैं, लेकिन मैं समझ लो 10-11 साल का था। तो मेरे जो मामा थे वो अपने आप खुद ही ड्राइंग बनाते थे, कलर करते थे, वो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा उनके साथ रहता था। वो काम पर से आते थे तो शाम को 1-2 घंटा काम करते थे तो मैं देखता था। तभी का जमाना, यानी वो कोई एक चित्र लेते थे, वो चित्र के ऊपर वो ग्राफ डालते थे, फिर दूसरा एक पेपर लेते थे, सेम ग्राफ वो उधर डालते थे, फिर ये चित्र के ग्राफ को वो फॉलो करते थे और बाद में कलर करते थे। तो मैं भी वैसे करने लगा उनके जैसा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ग्राफ में भूल जाता था तो मेरा चित्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। हाँ, तो एक दिन मैंने क्या किया कि ग्राफ नहीं डालिया, मैं बोले ऐसे ही करूँगा, और ऐसे देखे मैंने किया, और शाम को आए बोले अरे तू अच्छा किया, ग्राफ नहीं डाला। बोले ग्राफ से जमता नहीं, ठीक है तू ऐसे ही कर, तू बहुत अच्छा करेगा। तो ये ऐसी मेरी शुरुआत हो गई। वो कुछ देर तक थे हमारे साथ, फिर बाद में वो गाँव चले गए। बाद में उन्होंने क्या किया मुझे रियली मालूम नहीं, लेकिन वो एक मेरी पहली प्रेरणा थी, मेरे मामा, और मैं चित्रकला में आकर्षित हो गया। और बाद में हमारे जो म्यूनिसिपल स्कूल में मेरे सर थे, वो अभी नहीं रहे, दातार सर करके, वो हमें ड्राइंग और म्यूजिक सिखाते थे। तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि म्यूजिक का और ड्राइंग का बहुत ही मेल है, हाँ, इतना घनिष्ठ संबंध है। तो उनका दोनों ही क्लास में हम अटेंड करता था, बिना कुछ भी हो, लेकिन ये दो क्लास में जरूर अटेंड करता था। तो मुझे लगा कि देर इज सम सिमिलैरिटी म्यूजिक में और पेंटिंग में, तभी अकल नहीं थी जो आज है। आज भी बहुत अकल है, ऐसा नहीं बात, लेकिन तभी अकल नहीं थी कि ये क्यों अच्छा लगता है। हाँ, ये म्यूजिक मुझे क्यों अच्छा लगता है, और जब म्यूजिक चलता है तो ये कुछ बनाते बोर्ड के ऊपर, वो कुछ तो संबंध है, वो तभी लगा था। और वो मेरे दिमाग में हमेशा रहा, आज मैं उसके ऊपर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन तभी मुझे इतना ही अच्छा लगा कि मुझे यही करना चाहिए। और मैंने मेरे सर को बोल दिया, मेरे पिताजी को भी बोल दिया कि मुझे ये आर्ट ही करना है। तो बोलते पहले तू आर्ट समझ ले, बाद में कर। और मेरे सर बोलते थे तू आर्ट करने का यानी क्या करने का, यही जब तक तू समझेगा नहीं तब तक तू आगे नहीं कर सकता कुछ। तो मैं फिर उनके साथ उनके घर जाता था, और वो मुझे कुछ करने बोल लेते हैं, मैं करता था। और आस्ते आस्ते फिर मैं स्कूल से बाहर हो गया, यानी प्राइमरी स्कूल से, और जब मैं सेकेंडरी स्कूल में आया तो वहाँ जो मेरे आर्ट टीचर थे वो जाने माने लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, MA जोशी, वो बहुत फेमस थे। उनकी उनको इंग्लैंड के रानी ने उनको बुला के उनका सत्कार किया था, उनको गोल्ड मेडल दिया था। तो मैं तो बहुत खुश होगा कि ऐसे मुझे टीचर मिले, वो तो हमारे टीचर थे ही। और मैंने तभी सोचा कि इनके साथ ही रहूँगा और उनसे चित्रकला सीखूंगा। लेकिन जब मैं SSC हो गया
और मैं उनके पास गया कि मुझे अभी आपके पास ही रहना है और आपके साथ सीखना है। बोले मेरे पास बस नहीं, तो मेरे को बहुत दुख हो गया, क्यों ऐसा क्यों सर? नहीं, तू जेजी स्कूल ऑफ आर्ट में जा, मैं वहां सीखा हूँ। ये मेरा क्लास है, ये तो एक छोटा सा डबका है और जे जी स्कूल ऑफ आर्ट एक सागर है। और इस तरह से उन्होंने मुझे जेजे में भेज दिया। फिर जेजे में मैं 5 साल सीखा। 5 साल सीखने के बाद कुछ 4-5 साल बाहर काम किया अलग अलग तरह का, पेंटिंग भी करता था। और अल्टीमेटली आई गॉट ए जॉब इन जे जी स्कूल ऑफ आर्ट। आई टॉट देयर फॉर 35 ईयर्स एंड देन टू वॉलंटियर टाइम। दिस इज माई बैकग्राउंड। सर आपने अपने टीचर्स का और बाकी सबका भी नाम लिया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके टीचर्स की वो क्या सीख है जो आज भी आपको याद है? हमारे जो जैसे कि एम एच जोशी और दातार सर, ये बहुत सौम्य स्वभाव के थे। वैसे सारे टीचर सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे थे कि जैसे कि पलसीकर साहब को भी मैं बहुत मानता हूँ, वो मेरे भगवान हैं। वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन बहुत हार्श शब्दों में कहते थे। मुझे सब में इंटरेस्ट था। मैं बोला पेंटिंग भी करूँगा, क्रिकेट भी खेलूँगा, गाना भी गाऊँगा, नाच भी करूँगा, थिएटर में भी काम करूँगा। तो वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था और मुझे एक अच्छा चांस मिला था थिएटर में काम करने का। तो उसके लिए मैं 1 महीना बाहर था। 1 महीने के बाद जब आया तो उन्होंने मेरी ऐसी चंपी की, बोलो कहाँ थे आप? मैं बोला सर मेरे को खुश हो के बोला, मुझे लगा उनको बहुत खुश होगी। मैं बोला सर मेरे को ऐसा ऐसा रोल मिल रहा है। अच्छा, तो तुम डांस भी करोगे, क्रिकेट भी खेलोगे, ये ड्रामा भी करोगे, पेंटिंग कब करोगे? बोला सर मैं करूँगा ना, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे में मराठी में कहावत है, एक ना धड़ भराभर चिंध्या, एंड ये सब कुछ करना है। वो बोले एक ही कर अच्छी तरह से, अगर ये पेंटिंग नहीं करना है तो अभी छोड़ दे। तो मुझे बुरा लगा, मुझे लगा सर को अच्छा नहीं लगा ये, शायद मैं ड्रामे में काम कर रहा हूँ। और मुझे भी लगा कि सर तो बहुत ही बड़े थे और उनका पेंटिंग तो हम तो हमेशा याद रखेंगे, ऐसा था। तो मैंने दिल से निर्णय लिया कि अभी हमें पेंटिंग के सिवा दूसरा कुछ करना नहीं। और उस दिन से आज तक मैं पेंटिंग के सिवा कुछ किया नहीं। तो ऐसे टीचर मिलना भी बहुत कठिन होता है। हाँ, और ऐसे मिले टीचर मुझे, आई एम वेरी हैप्पी, आई फील आई एम वेरी लकी टू हैव पलसीकर इन माय लाइफ। सर पलसीकर सर के बारे में आप और भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यस, ही वाज अ गुड टीचर, अ गुड क्रिटिक। हाँ, वेरी फ्रैंक पर्सन। और जब हर महीने में एक टाइम सब विद्यार्थियों के पेंटिंग लगा के उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म देते थे, और उनका क्रिटिसिज्म यानी समझ लो जहर, ऐसा ही समझ लो, सबको दिल को लग
तब अरे यार क्या सर जी एकदम काट डाला मेरे को ऐसा, मुझे भी उन्होंने वैसा ही सिखाया है। लेकिन हम ऐसे हम शायद हमें कुछ समझता था सर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि हमसे कुछ अच्छा काम हो इसलिए। और तभी वो बताते थे कि तुम्हें पेंटिंग करना है तो सिर्फ पेंटिंग के बारे में सोच, जो पेंटिंग के बारे में सपने देखो, पेंटिंग क्या है औरों से समझ लो, पेंटिंग के बारे में क्या लिखा गया वो पढ़ो, पेंटिंग के बारे में तुम्हें जो सीनियर है उनसे डिस्कस करो, सिर्फ पेंटिंग करना है नहीं कैनवास के ऊपर या पेपर के ऊपर कुछ इमेज बनाना नहीं है, इट इज मोर देन दैट, सो दैट इज द वेरी बेसिक क्या बोलेंगे बेसिक उन्होंने हमको बोला। तो तभी से मैं सोचा कि यस आई हैव टू थिंक only in painting, about painting and all the time about painting till I become myself painting. ये हो गया सर, आपने एब्स्ट्रैक्शन का रास्ता खुद चुना, या एब्स्ट्रैक्शन ने आपको चुना? नहीं, मैंने खुद सुना, मैं सुना यानी मैं खुद चुना ऐसा नहीं, लेकिन मैंने सारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटर देखे, मैंने जो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट पढ़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे बुक है नहीं, मैं सीधी सीधी क्रिटिसाइज करता हूँ हमेशा। आज हमारे देश में हमारे आर्ट के ऊपर कोई बुक नहीं है, अभी ये भी एक अमृता शेरगिल के ऊपर किसी ने बुक लिखी है, लेकिन और सारे कितने आर्टिस्ट है, हाँ रविंद्रनाथ के चित्र के ऊपर कोई बुक नहीं है, ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, पल्लिकर साहब आपके ऊपर हमने बुक निकाली एक चार साल पहले 1917 में, तो लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, और अगर है भी हमारे कॉलेज में कुछ पुस्तकें हैं लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको पेंटिंग करने के लिए पढ़ना क्या होता है, वो हमें हमारे सर ने बताया, आप पढ़ोगे तो समझोगे कि क्या पेंटिंग है, पेंटिंग पेंटिंग के जो अंदरूनी जो बातें हैं वो आप पढ़ने के सिवा नहीं समझोगे, सिर्फ हाथ से पेंटिंग करके नहीं होता है ये, जैसे कि मॉडिग्लियानी, वो मॉडिग्लियानी ऐसी फिगर क्यों पता बनाता था, थोड़ा सा एक्रोबेटिक
तो उसके लिए आप जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि अरे हाँ, ही डजंट वांट टू कॉपी अ फिगर, ही वांटेड टू क्रिएट अ फिगर. ये हमें समझ पड़ा, मैंने पढ़ा था भी. तो ये बातें पढ़ना जरूरी है, उसके लिए जितने बुक चाहिए वो हमारे देश में नहीं है. हमारे देश में क्रिटिक है, पेंटर्स है, एप्रिसिएटर्स है, बायर्स है, लेकिन देर इज नो राइटर ऑन आर्ट. एक मैं प्राउडली कहूंगा कि मैंने एक बुक लिखा है, लेकिन मराठी में है, फ्रॉम आर्ट टू आर्ट, और अंग्रेजी में भी आया है, और दूसरा दो बुक मैंने ट्रांसलेट किए हैं. एक पॉल गोगा का गोल्ड ऑफ देयर बॉडीज एंड स्टोरी ऑफ वेस्टर्न आर्ट. ये बुक्स मैंने ट्रांसलेट किए और अभी ट्रांसलेट कर रहा हूँ. वो बुक बहुत ही अच्छा है. अगर आप आर्टिस्ट होगी शायद तो आप वो जरूर पढ़िए, जॉन बर्जर की वेज ऑफ सीइंग. वो मैं मराठी में सेट कर रहा हूँ. विचार का होना कितना जरूरी है? बहुत. चित्र ही विचार है. चित्र में चित्र से अलग नहीं है विचार. चित्र और विचार एक साथ जाते हैं. हाँ, और अलग करोगे तो चित्र में नहीं होगा. चित्र को अलग करेंगे तो आप सोच नहीं पाओगे. चित्र में ही सोचना अल्टीमेटली, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट, योर पेंटिंग गुड, योर कलर स्कीम इज गुड, योर कंपोजिशन इज गुड, but let it become a kind of poetry, a visual poetry. Not necessarily a poetry, but you should paint a painting. You know, don't make a painting. There is a difference between making and painting. तो वो कुछ सब लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ जाते. मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? मैं अपनी कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं मुझे वो कि जो अच्छा काम करते हैं. सर, आपने अपने स्टूडेंट्स का नाम लिया, तो मैं जानना चाहती हूँ, जब आप जेजे में पढ़ाते थे तो उस समय आपके एक्सपीरियंस क्या थे, और आपने अपनी कला को भी कंटिन्यू रखा और आपने अपनी जॉब भी की, तो वो आपने कैसे मेंटेन किया? मेंटेन करने के पीछे सच कहूं, वो जो पलसीकर साहब थे, पलसीकर साहब ने जब मैं ज्वाइन हुआ तभी एक 15-20 मिनट मेरे को कहा कि
teacher, you have to teach. That means you have to read also. And you have to paint too. Don't give me excuse ki mere ko aaj time nahi mila. Paint every day. And honestly speaking, I used to paint every night. College se ghar jaane ke baad, khana bina khake, raat ko 2-3 ghanta main kaam karta tha. So that is very essential, I feel. तो ये सारा पलसीकर साहब के उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने जो शिक्षा दी वो मैं अपनी तरह से खुद को लागू की और मैं अभी आज भी पेंटिंग करता हूँ। सर आप अपने पेंटिंग में रंगों का चुनाव किस तरह करते हैं? नहीं ऐसा चुनाव सोच के नहीं होता है। हाँ, ऐसा डिसाइड करके हम चुनाव नहीं कर सकते। यस हाँ, वो जैसे कि आप एक कलर लगाया, समझ लो एक कैनवास के ऊपर सिर्फ लगाया, तो फिर आपको लगता है कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। यू नो यू हैव टू बिकम अ कलर योरसेल्फ। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगेगा, बट अनलेस एंड अनटिल यू नो ब्लैक, बट हैव यू एवर पुट ब्लैक कलर ऑन योर स्किन? जस्ट सी व्हाट हैपेंस। सो इन जरूरी नहीं कि लगाना चाहिए, हमने लगाया था, लेकिन ये जरूरी नहीं। ब्लैक को समझने के लिए हमें ब्लैक होना पड़ता है, नॉट फिजिकली बट यस, व्हाट इज दिस ब्लैक? आई कांट सी बियॉन्ड इट एंड आई वांट टू बी सी बियॉन्ड, देन व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू रब आउट ब्लैक और पुट सम अदर कलर, यू नो, एंड देन इफ आई पुट ब्लू देन आई वुड डेफिनेटली थिंक व्हाट विल गो विद दिस ब्लू एंड ब्लैक, I put that color. So it is a kind of combination of colors, and ultimately it takes you towards expression, and then you don't bother whether it is blue, black or red or whatever. You just express yourself through those colors. I feel painting is a language through which you communicate with yourself, not with others. Sorry. कला और साइकोलॉजी का क्या संबंध है? इतना तो मैंने सोचा नहीं। साइकोलॉजी कलर, मेरे ख्याल से हम जब पेंटिंग करते हैं तभी साइकोलॉजी थोड़ी आती है कि कभी कभी खुद पर गुस्सा आता है कि ये कलर मुझसे ठीक से लगा नहीं गया, क्यों नहीं लगाया गया, क्या कारण है, क्या मेरा मूड क्या था तभी, तो तभी मैं सोचता हूँ क्या आज मेरा दिल नहीं है क्या पेंटिंग करने का, या मुझे क्या करना चाहिए था, किससे शुरुआत करनी चाहिए थी। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस कि मेरा क्या गलती हो गया, साइकोलॉजिकली मैं कहाँ रुक गया, वो मुझे ढूंढना चाहिए और इसके आगे रुकना नहीं चाहिए, चाहे पेंटिंग खराब हो, लेकिन आई हैव टू कॉन्स्टेंटली पेंट टिल इट गेट्स फिनिश कंप्लीट, नॉट फिनिश कंप्लीट। क्या पेंटिंग में परतों का क्या आधार होना चाहिए? पेंटिंग में आधार, परतों का आधार, परतों का आधार, परतों, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेयर्स, 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 ओ लेयर्स, नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मेरे कई पेंटिंग ऐसे कि एक दो कलर्स में ही किए मैंने, जरूरी एक एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, लेकिन जब आते हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, तो उसको सुलझाना ये हमारा काम है। समझो अगर ब्लू के ऊपर मैंने ब्लैक लगा दिया तो ब्लू अपनी क्वालिटी खो बैठेगा, बिकॉज ब्लैक इज अ स्ट्रॉन्गर कलर। सो देन अगेन आई विल पुट ब्लू, बट दिस टाइम आई विल पुट अ थिक ब्लू सो दैट ब्लैक वोंट डू एनीथिंग टू ब्लू, यू नो, सो इट्स ऑल अ काइंड ऑफ मैथमेटिक, यू कैन से अ हिडन मैथमेटिक which only you know, the painter knows, and he has to follow that. आपके जीवन के कॉलेज दिनों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या-क्या सीखा, कैसे दिन थे वो, कहाँ लैंडस्केप करने जाते थे, क्या दिन थे उनके बारे में कुछ याद है? कॉलेज के दिन तो आप भी कॉलेज गई होगी, बहुत ही सुनहरे दिन थे और हम तो मौज मजा ही करते थे। इन अर्ली स्टेज से थर्ड ईयर तक तो हम बस आज इधर शिप में बैठेंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके उधर घूम के आएंगे, सॉरी वो
होटल का नाम अभी भूल गया मैं, जो फेमस होटल है हमारा जल गया था वहाँ से, हाँ ताज, ताज के वहाँ से हम 20-25 लोग वो शिप में बैठते थे और एक राउंड लगा के आते थे, फिर आने के बाद चने कुरमुरे ये भी खाते खाते कॉलेज में आते थे। लेकिन ऐसा महीने में एक दो बार हम करते थे, तो वो करते वक्त हमें ये लगता था कि वी आर इंजॉइंग, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी गो टू होम और व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस बोट व्हाट वी कैरी विद अस, सिर्फ एक आनंद। तो ये उस आनंद की व्याख्या क्या है, तो हर एक के लिए अलग अलग थी। मेरे ख्याल से मेरे लिए आनंद की व्याख्या पानी थी। बोट में बैठने के बाद जब डीप वाटर में हम जाते थे तो डर लगता था, और डर का और पानी का क्या संबंध है इसके बारे में मैं सोचता था, और क्या सोचते थे पता नहीं। बट वी हैड अ वंडरफुल टीम, ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी यूज्ड टू गो ऑन अ बोट टूर। तो वो तो कुछ ना कुछ संबंध है पानी, यानी विश्व का संबंध है हमसे, चाहे हम जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हम विश्व में हैं और विश्व हमारे में है, ऐसा कहा गया है। तो वो तो अभी तक मैंने वो अनुभव नहीं किया है, कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ये सही है कि विश्व हम में है, हमें उसको खोजना चाहिए। सर क्या हर कलाकार के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है? अगर होती है तो उस बारे में कुछ बताइए। शक्ति बोला तो इच्छा मैं कहूंगा, शक्ति के जगह में इच्छा व्यक्त, कि एक इच्छा होती है, एक तीव्र इच्छा होती है पेंटिंग करने की। और कई लोगों के पास तो ऐसी इच्छा होती है कि मैं हुसैन बनना चाहता हूँ, मैं गायतोंडे बनना चाहता हूँ, मैं अमुक बनना चाहता हूँ, मैं तमुक। तो जब मैं टीचर बना तो तभी भी मैंने ऐसा सुना बच्चों से, तो मैं बोला देख तू हुसैन गायतोंडे भूल जा, तू तू बन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हुसैन हुसैन बना, हुसैन के पहले कोई हुसैन था क्या? नहीं कि जिसको देख के हुसैन बना, नहीं। तो यू हैव टू बिकम योरसेल्फ, और उसके लिए क्या करना चाहिए, एक काम ही करना है। काम ही एक मार्ग है जो तुम्हें ज्ञान देता है। तुम आज एक पेंटिंग किया, 10 दिन के बाद दूसरा पेंटिंग, ज्ञान तब तक निकल जाता है। आपको हमेशा एवरी डे, एज एज माई पल्सिकर सर सेड दैट यू मस्ट पेंट एवरी डे, एज यू स्लीप एवरी डे, यू ईट एवरी डे, यू ड्रिंक एवरी डे, यू वॉक एवरी डे, लाइक दैट यू मस्ट थिंक एवरी डे, यू मस्ट पेंट एवरी डे, एंड आई फॉलो दैट। क्या कलाकार के व्यक्तित्व को हम उनकी पेंटिंग से पहचान सकते हैं, या कलाकार की पेंटिंग में उनका व्यक्तित्व झलकता है? व्यक्तित्व आ ही जाता है, लेकिन वो दिखता कि नहीं ये पता नहीं। जैसे कि गायतोंडे की पेंटिंग में उसका व्यक्तित्व तो आया है भाई, जितने भी पेंटर हैं तो उनका व्यक्तित्व उनके पेंटिंग में आता है, लेकिन वो खोजना न पड़े ऐसा होना चाहिए। हाँ, लोग खोजने जाते हैं, अरे इसे पलसीकर का क्या है, इसमें गायतोंडे का क्या है, इसमें कोल, वैसे नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू सी अ लॉट। हमारे यहाँ देखिए एक म्यूजियम है दिल्ली में, दूसरा के साउथ में, और तीसरा बम्बई में है, और हमारे बच्चे तो 1 लाख है सीखने वाले, क्या देखेंगे वो ये 3 म्यूजियम में? आवर गवर्नमेंट, आई मीन नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आर्ट, द समबडी शुड टेक रियली अ गुड इंटरेस्ट इन आर्ट, शो देम फ्रांस। एक फ्रांस देखने से आपको पता चलेगा कि आर्ट क्या होती है, क्यों फ्रांस के माना जाता है। हाँ, क्योंकि कहा भी तो को कहा, यहाँ बैठा है कलाकार, उधर बैठा कर, और रस्ते पे पर बैठते काम करते हैं, वो रिवर के किनारे पे बैठते काम करते हैं, वो कहीं भी काम करते हैं। हमको तो स्टूडियो चाहिए। हमारे स्टूडेंट बोलते नहीं मैं अभी पास हो गया हूँ, अभी मैं पहला मेरा एक स्टूडियो बनाऊंगा। तो तुम्हें स्टूडियो बनाना है, तुम्हें बड़े पेंटिंग करने, तुम्हें पेंटिंग को बेचने हैं, तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें नाम भी कमाना है, ऐसा नहीं चलता है। आपको इतना ही सोचना है कि मुझे पेंटिंग करना है, दैट पेंटिंग विल मेक यू पेंटर। यू इफ यू थिंक दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ पेंटर, यू विल नॉट बिकम अ पेंटर, यू विल ओनली पेंट बट यू विल नॉट बिकम अ पेंटर। ओनली चॉइस होनी चाहिए कि मैं मरते दम तक पेंटिंग करते रहूँगा,
इसलिए वो वैन गॉग का बुक आप पढ़िए, गोल्ड ऑफ देयर बॉडीज। आई मीन ही वाज सच अ रिच पर्सन, क्या हाल हो गया उसका। बट वैन गॉग विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय फ्रेंच पीपल, व्हाई द होल वर्ल्ड विल रिमेंबर। तो ये हमने सीखा है, हमको कितना आएगा अभी पता नहीं, लेकिन हम पेंटिंग ही करेंगे, पेंटिंग में जिएंगे और पेंटिंग में मरेंगे। सर, आज के बच्चों के लिए आने वाली समस्याओं को उनको कैसे देखना चाहिए? समस्या जो कही जाते हैं, समस्या कोई दूसरा नहीं क्रिएट करता, हम ही क्रिएट करते हैं। समस्या का हल हमें ही सोचना चाहिए। जो समस्या जिसको कहते हैं, अरे यार आजकल वो ब्लैक कलर मिलता नहीं है, ये समस्या आपको सुलझानी है। आप ब्लैक मट्टी ले लो, आप ब्लैक कोयला ले लो, उसको कूटो, करो उसका ब्लैक। लेकिन यार ब्लैक मिलता नहीं है, हाँ क्योंकि तुम्हें वो जेट ब्लैक चाहिए, नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उसमें काम करो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड गेट whatever you want every time, sometimes you lack that. तो वो तो आपको ही ढूंढना है कि इस ब्लैक को मैं कैसे पूरा करूँ। तो ब्लैक इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हें चाहिए हो, लेकिन ब्लैक दुनिया में है। You understand? This is what I believe in. हम मट्टी भी यूज किया है, हाँ कई लोगों ने, मैं ही नहीं, बहुत लोगों ने, जैसे कि हमारे वारली पेंटर्स देखो, वो तो मट्टी में ही काम करते हैं और वो पाउडर में काम करते हैं और वो फ्रांस तक जा पहुंचे हैं। तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें क्यों डरना चाहिए। हमें अगर ब्लैक नहीं तो ब्लैक के बिना काम करने की इच्छा रखो, या ब्लैक पैदा करो और काम करो। तो ये जो हम एक्सक्यूजेस देते हैं ना, उसे हमारी क्षति होती है। नहीं, वो उसके ऊपर नहीं, मैं कुछ करूँगा लेकिन ब्लैक लेकर आऊँगा, नहीं तो कुछ दूसरा करूँगा। ये हमेशा करने की ही इच्छा होनी चाहिए। ये है नहीं, अभी नहीं कर सकता, अरे क्यों नहीं करते काम तुम आजकल, अरे नहीं यार आजकल कलर अच्छे नहीं मिलते। कलर अच्छे नहीं होंगे लेकिन तुम कलर अच्छी तरह से लगा सकते हो। कलर अच्छा नहीं है लेकिन तुम अच्छी तरह से लगाने की कोशिश करो, वो अच्छे बन जाएंगे। तो ये कहीं तो हमारे सोच में गड़बड़ है, कहीं तो कमी हमारे सोच में है। और इसके लिए एक पेंटर को नॉट जस्ट फॉर सेक ऑफ पेंटिंग सोचना है, लेकिन उसको सोचना है पूरे जीवन के बारे में। उसके लिए सारा जीवन एक पेंटिंग है, और वो जीवन को पेंट करने के लिए कौन सा कलर चाहिए, कौन सा रेड चाहिए, और क्या हिम्मत चाहिए, और किस तरह से वो पेंट करना, ये सारा उसको ही मालूम होना चाहिए। वो ऐसे पूछते बैठेगा तो कभी भी काम नहीं कर सके। भले ही माइट पेंट अ बैड पेंटिंग, बट इट शुड बी अ पेंटिंग। कई अच्छे पेंटिंग होते हैं लेकिन उनको मैं बैड पेंटिंग कहता हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, सब लोग अरे क्या पेंटिंग बने, नहीं मैं उसको बैड पेंटिंग बोलता हूँ। क्यों? एक ऐसा वो अच्छी किस्सा कि पुणे में एक एग्जीबिशन था, मैं गया, एक लड़का, सर देखिए क्या कहता, बहुत अच्छा काम किया है, लैंडस्केप किया क्लासिक, ऐसे लगता है कि हम उसके किनारे खड़े हैं। तो मैंने पूछा उसका, आपको लगता है किनारे खड़े हैं, आप जाके वहाँ किनारे खड़े रह जाओ, आप चित्र के ऊपर तो नहीं खड़े रह सकेगा ना। ये चित्र है, जैसा है वैसे बना है, इट्स अ कॉपी ऑफ द रियलिटी। व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेंटर? वो जो जैसा है वैसे बना है, उसको मैं पेंटिंग नहीं कहता। दैट मे बी ए पेंटिंग बट इट इज जस्ट एन इमिटेशन। आवर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेंटर, दे डोंट अंडरस्टैंड द difference between creation, imitation, interpretation, नहीं मालूम। वो जब समझेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। मेरी आवाज आती है क्योंकि yes, आती है। ओके ओके थैंक यू।
और बोलिए। सर गायतोंडे ग्रंथ के बारे में कुछ बताइए। हाँ गायतोंडे का ग्रंथ जो एक कौन से मेरे ख्याल से वो जर्मनी ने नहीं पोलैंड ने निकाला है या कोई बाहर के देश ने निकाला है, लेकिन उसका पूरा एडिटरशिप एक इंडियन लेडी ने किया है और वो ग्रंथ बहुत ही सुंदर है मेरे पास है वो और बहुत ही अच्छी तरह से वो निकाला है। ऐसे बुक हमारे देश में बहुत सारे हो, शायद बुक देख के भी पेंटर हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, इतना अच्छा बुक है। और उसके बारे में गायतोंडी की फिलोसॉफी, गायतोंडी की फिलोसॉफी अबाउट आर्ट, अबाउट लाइफ, अबाउट द इंटायर यूनिवर्स, क्योंकि कोई गुरु के पास जाते थे और वो गुरु के बड़े भक्त थे और मैं भी उनको जानता हूँ और वो अभी नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो गायतोंडी जी कम बात करते थे और मुझे अच्छा अनुभव है उनके कम बात का। मैं तो पूरे दिन बैठा रहा लेकिन एक शब्द भी मुझसे बात नहीं किया, वो मेरे से गुस्सा नहीं थे। ही वॉज इन हिमसेल्फ, ही वॉज ऑलवेज इन हिमसेल्फ। और अगर पूछा तो बोलते अरे बोलते क्यों करना है बात, यू जस्ट बी इन योर सेल्फ, अपने आप से बात करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैं तो गायतोंडी नहीं हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, मुझे बात करनी पड़ती है और मैं बात करता हूँ, लेकिन गायतोंडी को मैं भूल नहीं सकता। इस क्या इन्होंने जो कहा कि अब क्यों बात करते हो, फिर काम में बात करो, कलर में बात करो, स्पेस में बात करो, सो दैट वॉज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर हम जानना चाहते हैं कि कला पर घटनाओं का क्या असर होता है? होता है, कई दम तक होता है, लेकिन बहुत होता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। और घटना का कला पर जो क्या कहे आपने, क्या कहा असर, कला पर घटनाओं का असर होने से बदले कला का घटनाओं का कला पर असर होता है, उससे अच्छा होगा कि कला का घटना पर असर हो, ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ यही होता है कि घटना का कला पर असर होता है तो लोग विषय लेके ही काम करते हैं, उनके पास है नहीं, वो खाली है सब लोग, उनको विषय लगते हैं। तो ऐसे अभी कोरोना के ऊपर लोग पेंटिंग कर रहे हैं, है नहीं, उनको विषय चाहिए। विषय एक मैं कहूँगा चिंतन की चीज़ है। अब चित्र के बारे में चिंतन करो, उसे जो निकल आता है उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपनी कला में, वो करो। लेकिन वो लेके आप कोरोना बनाओगे यानी क्या करोगे, वो कोरोना का फॉर्म बनाओगे अलग अलग कलर में, हाँ, और उसको फ्रेम करोगे, तो ये क्या हो गया चित्र? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोरोना क्या है, कोरोना से कितना डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या हमने कभी देखा है कोरोना को? कोरोना तो दिखती नहीं है, लेकिन वो है। अगर जो दिखती नहीं है और फिर भी है तो उसको मैं किस तरह से रिसीव करूं, उसको मैं किस तरह से पेंट करूं, इसके बारे में सोचूं। लेकिन इनको इनका तो है, कहीं तो साइंस में देखा उन्होंने कि चित्र वो बना दिए कोरोना, बट कोरोना का एक्सपीरियंस नहीं दिया उनको, कोरोना का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या कोरोना होके मरने वाले को भी उन्होंने देखा नहीं है, कोरोना से बचकर बाहर आया हुए वाले को भी उन्होंने देखा नहीं है और कोरोना के ऊपर चित्र बना रहे हैं, तो ये गलत है। सर कोरोना काल में कुछ परिवर्तन हुआ है आपके? नहीं, मेरे में नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक परिवर्तन ऐसा अच्छा हुआ कि पहले तो एक महीना बिल्कुल कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, तो हम घर में कैद थे, मैं बहुत खुश था। हाँ, तो मैंने शिवाजी को भी याद किया, हाँ, और मैंने बहुत सारे जो हमारे भगत सिंह है, बहुत सारे गांधी जी जेल में थे, तो तभी मैं इन सब लोगों को याद किया, यार ये लोग इतने काल तक कैद में थे, मैं तो सिर्फ एक महीना ही, और वो भी मेरे घर में कैद में भी नहीं बंद था, तो मैंने बहुत आनंद लिया उस शांतता का, बहुत अच्छी शांतता मेरे पूरे लाइफ में मुझे
अनुभव मिला कि ऐसी शांतता मैंने देखी नहीं। लेकिन अभी जस्ट दो दिन पहले मैंने कहा कि तभी शांतता थी और बहुत लुभावनी थी, लगता था ऐसा ही रहे पूरी दुनिया शांत रहे। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है अभी जो शांतता है वो जिसे हम मराठी में स्मशान शांतता कहते हैं, स्मशान में जो शांतता होती है ना वो अभी आई है। लेकिन उससे भी हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये आई है अभी, वो शांतता नहीं है जो दिल को लुभाती थी, अभी ये शांतता ऐसी है कि ये कुछ भी कर सकती है। मेरा क्या, सबका, ये सूरज को भी वो काला बना सकती, कुछ भी कर सकती, अभी की शांतता ऐसी है ऐसा मुझे लगता है। सर आपने इससे पहले वाले प्रश्न में कला और चिंतन के विषय में कुछ बोला, तो कला और चिंतन का क्या संबंध है, ये आपके नजर से हम जानना चाहते हैं। ये संबंध है, आप देख लिए मेरे, ये संबंध, ये यहाँ से ऐसा दिखता है, यहाँ से ऐसा दिखता है, तो इनका ये अभी ये संबंध है ऐसा भी मैं कहूँगा। हर एक, ये भी एक आकार है ना, वो आकार इनके जैसा ही है। अगर मैं कहूँ कि मुझे चार उंगलियाँ हैं, आठ उंगलियाँ हैं, तो आप नकार नहीं दे सकते। एक आप चार आपको दिखती है, चार दिखती नहीं है, ऐसे मैं कहूँगा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू थिंक, पीपल मे कॉल यू बैड, मैड, मैड हो जाना चाहिए। मैं कहूँगा कि आपको अगर चिंतन करना है, सारे चिंतनकार जो देखेंगे आप तो वो मैड ही थे, एक जगह पे बैठे 15-15 साल। हाँ, आज का एक अच्छा सूझबूझ रखने वाला बड़ा पढ़ा लिखा हुआ साइंटिस्ट बैठ सकता है 15 साल एक जगह पे? नहीं। तो 15 साल सिर्फ वो बैठे नहीं थे, वो चिंतन करते थे, और जो कुछ उनके विषय हो गए, जैसा हमारा विषय चित्र है, तो उसके बारे में तो मैं हमेशा हमेशा ही करते रहता हूँ चिंतन। ऐसी जरूरी नहीं कि उस चिंतन जैसी हो कि एक जगह पे बैठे और चिंतन कर रहे हैं, नहीं, हम चलते फिरते खाते पीते सोचते रहते, राइस खाते होते, अपने उंगलियों से कुछ करते रहते और सोचते रहते कि अभी पेंटिंग में क्या करना चाहिए हमें, अभी मेरा आजकल पेंटिंग मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अभी अच्छा कल का पेंटिंग अच्छा हो गया, क्यों अच्छा हो गया, बुरा हुआ तो भी हमें सोचना चाहिए, नहीं अच्छा हुआ तो भी सोचना चाहिए। तो अल्टीमेटली पेंटिंग बन जाना चाहिए, फिर ये सारे प्रश्न मिट जाएंगे। पेंटिंग बनना इतना आसान नहीं है, वो एक गायतोंडे जैसे लोगों को आसान हो गया, मुझे तो अभी तक आसान नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर सोचा है कि मुझे एक दिन मरना नहीं है, मुझे पेंटिंग बन के अदृश्य हो जाना है। बातें दो प्रकार की होती है, जैसे हम कभी कभी आंखों से बातें करते हैं, कभी कभी सिर्फ सुन लेते हैं और उसके अर्थ निकालते हैं, कभी कभी हम स्पर्श से बातें करते हैं। मैं जोर से ऐसे रखूं तो उसको गुस्सा आएगा, अरे यार इतना जोर से मेरा दुखने लगा है, ऐसे अगर स्पर्श किया तो सोचेगा इनको कुछ कहना है। तो बातें करने के भी कुछ तरीके होते हैं। हाँ, हम शब्दों के साथ पेंटिंग के साथ नहीं बात कर सकते, कलर्स के साथ नहीं बात कर सकते, हमें जिनको शब्द मालूम है उनके साथ शब्द में बात कर सकते हैं। लेकिन आप अपने पास अगर कुत्ता है तो कुत्ते के साथ क्या भौं 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 करके बात करते हैं, नहीं, उसको नज़दीक लेंगे वो समझ जाएगा, ये हमारी रानी है, हमारी घर की मालकिन है और उसने मेरे को नज़दीक लिया है, ये जिस चाटेगी आपको, आपको प्यार, आपको प्यार ही करेगी वो, आप उसको मारो फिर भी वो प्यार करेगी। इतनी ऑनेस्टी हम में नहीं है, इंसान में। अगर सामने वाले ने खंजीर निकाला तो ये तो तलवार निकालता है, कुत्ता वही इकट्ठा रह ले जाए, देखते रहेगा दोनों में। आई थिंक ही नोज मोर देन अस देन ऑल एनिमल्स, आई बिलीव इन इट,
दे आर मोर सेंसिटिव देन ह्यूमन बीइंग्स. आई विश आई बिकम एन एनिमल. सर, कलाकृति और समाज का क्या संबंध है? कला एक समाज का ही अंग है. सब लोग तो पेंटिंग करते नहीं है, लेकिन समाज में रहते हैं और हम समाज को सिखा नहीं सकते पेंटिंग क्या है, पेंटिंग के बारे में उनको. अगर उनको ज़रूरत है तो हम बताएंगे. जैसे आप आज मेरा इंटरव्यू ले रही है तो मैं बता रहा हूँ जो मुझे मालूम है. लेकिन आप ऐसे रस्म मिल जाती है तो अरे यार रखो, मैं आपको पहचानता हूँ, आपको मालूम है मैंने एक पेंटिंग की है, चले मैं दिखाता हूँ. आपको जाना है कहीं दादर, आपको मैं वो रली लेके जा रहा हूँ. ये ऐसे नहीं होना चाहिए. तो जो हमें हर इंसान को अपने आप में खुश रहना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए और अपनापन जो है वो बाहर नहीं है, अपने अंदर है, इसकी जान उसको होना चाहिए. ऐसा मुझे लगता है. हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं, दूसरे कितना गरीब है या कितना अमीर है, इसके ऊपर हम अपनी अमीरी और गरीबी हम डिसाइड करते हैं. नहीं, कई लोग पैसे से अमीर हैं, कई लोग दिल से अमीर हैं, कई लोग अपने काम से अमीर हैं. अब गायतों डे से बहुत अमीर पर्सन है एज ए पेंटर. हम हमारे पिकासो तो अमीर के भी अमीर है वो. इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी पेंटिंग आज करोड़ों में जाती है. जब वो 8 साल के थे तभी अमीर थे उनका. आप देखिए पेंटिंग 8 साल का. तो ये बात है कि मैंने कुछ किया है और वो मुझे आनंद देता है. मैंने जो निकाला एक ड्राइंग की है वो मुझे आनंद देता है, शायद वो औरों को दे या ना दे. दूसरे बारे क्या निकाला, कुत्ता निकाला है या बैल निकाला है, मैं एक जानवर निकाला है मैंने. आपको अगर वो कुत्ता लगता है तो कुत्ता है, भैंस लगती है तो भैंस है. मेरे लिए वो एक जानवर है बिकॉज आई लव एनिमल्स, दैट्स ऑल. सर, सभी आर्टिस्ट की दिनचर्या अलग अलग होती है तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में हमें बताएं. मेरी दिनचर्या, मैं दिन और रात में फ़र्क नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कभी कभी सोता हूँ 3:30-4 बजे, कभी उठता हूँ मैं. मेरे पास कोई घड़ी का टाइम नहीं है. मैं जब आँख खुलती है तभी उठता हूँ और नींद मुझे बहुत कम आती है, मे बी बिकॉज ऑफ माई डायबिटीज और अदर. मैं पढ़ता हूँ ज़्यादा, मैं लिखता हूँ और मेरी पेंटिंग निकाल निकाल के देखते रहता हूँ. तो इसके कारण ये जो एक कहूँगा कि सूख जो है, सोने का, नींद का सूख, वो मुझे नहीं मिलता इतना और मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है. मुझे अच्छा लगता है कि मैं आज 1.5 घंटा मेरी पेंटिंग देख रहा था. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस आई फील. सर, हम कुछ कुछ लाइव क्वेश्चंस में से लेंगे जो आज के दर्शकों ने हमें भेजे हैं. बाहरी घटनाओं का अपने काम पर असर काम की दृष्टि से कैसा होता है? मेरे ऊपर नहीं होता है. अगर कल समझो हमारे पिताजी गुजर गए, मेरे ऊपर मुझे दुख तो जरूर होगा. असर और दुख इसमें फर्क है. असर वो है वो बहुत देर तक आपके ऊपर होता है. दुख वो है जैसे उनको जला दिया, दूसरे दिन हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं. असर बहुत देर तक आपके साथ रहता है. तो वो असर पेंटिंग में अगर आपको चाहिए तो आपको पेंटिंग की सेवा करनी चाहिए. सेवा का मतलब यह है कि हमेशा यू हैव टू थिंक अबाउट पेंटिंग, यू हैव टू पेंट द पेंटिंग, यू हैव टू रब द पेंटिंग, यू हैव टू क्या कहेंगे डिस्ट्रॉय द पेंटिंग, यू नो. आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा
आपको कभी कैनवास के ऊपर करके देखना चाहिए, कभी थिक पेपर के ऊपर पेपर पेंटिंग करके देखना चाहिए, कभी खुद के ऊपर कलर लगा के देखना चाहिए, बहुत कुछ है। अगर आपको किसी को जानना है तो उसके जितना अंदर उसके अंदर जाओगे उतना जाना चाहिए आपको। अगर मुझे कोई टब मिलेगा तो मैं उसको ग्रीन कलर से भर दूंगा और उसमें कूद पड़ूंगा। कलर जानने के लिए कलर खाना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे अभी उनका नाम मैं भूल गया, कलकल का आर्टिस्ट है, उनका नाम मैं आएगा तो मैं बताता हूँ। और दिवाली के समय में आपको मालूम है वो तो वो उनके मम्मी ने एक कलर बना के एक सूप में रख दिया था, वाटी में रख दिया था, और वो वहाँ खेल रहे थे। और वो जब बाहर आई तो उसने देखा तो कलर नहीं है वाटी में, अरे इस तरह क्या हो गया। तो उसको पूछा क्या करे, क्या किधर किधर गए, मम्मा मैंने पी लिया। अरे पागल है, हाँ मुझे वो इतना अच्छा लगा, पीने जैसा लगा, मैं पी लिया। दिस इज व्हाट द पेंटर इज। वो तभी जानते भी नहीं थे इसको क्यों, इसको रेड क्यों बोलना या इसको येलो क्यों बोलना, उनको अच्छा लगा और उन्होंने पेट में डाला। उसका क्या फर्क, उसके उसके ऊपर असर होगा, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। ये होना चाहिए, ये ज्यादातर प्यार में होता है। कोई लड़का लड़की क्यों पार करता है, लड़की तो वो ऐसे पागल हो जाते हैं, ये पागलपन एक है। लेकिन ये पागलपन तुम्हें ज्ञान देता है, प्यार का पागलपन देता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। लेकिन कलर का पागलपन आपको ज्ञान देता है। सर क्या आपने दूसरे मीडियम्स में भी काम किया है पेंटिंग के अलावा? हाँ यस, मैं शुरू में तो पेस्टल में काम करता था, बाद में वाटर कलर में करने लगा। दैट टाइम आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉल क्ले, तो तभी मैं वाटर कलर में काफी काम किया है। उसके बाद में मैं एक थिक शीट के ऊपर काम करता था, वो टेक्सचर कैलेंडर पेपर बोलते थे उसको, कैलेंडर बोर्ड बोलते थे, उसके ऊपर काम करता। और उसके बाद में मैंने देखा कि सब लोग कैनवास के ऊपर काम करते, और कैनवास के ऊपर काम करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कैनवास एक तो बाद उसके कारण ऐसे है, एक तो बहुत महंगा मिलता था उन दिनों, हमारे लिए महंगा था, भले 4 रुपये का लेकिन हमारे लिए महंगा था। पर इसके लिए कलर लाओ, उसके लिए स्पेशल ब्रशेस लाओ, तो तभी तो शुरू के पेंटिंग मैंने अपने हाथों से रंग लगाया है, कागज से रंग लगाया है, कपड़े से रंग लगाया है, क्योंकि ब्रश परवड़ता नहीं था हमें। आज मेरे पास बहुत ब्रश है और ब्रश से काम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कभी कभी हाथ से भी मैं काम करता हूँ। पेंटिंग इट्स नॉट ए थिंग ऑफ मेकिंग, हम बना नहीं रहे, हम हो रहे हैं, हम पेंटिंग हो रहे हैं खुद, पेंटिंग बना नहीं रहे, ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और वैसे मैं करता हूँ। सर आपने किताबें पढ़ने के लिए बोला, तो हम जानना चाहते हैं कि युवा कलाकारों को कौन सी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। कुछ सबसे पहले जो आपको बोला ना, जॉन बर्जर का ये एक ही बुक पढ़ो, मैं यही बोलता हूँ, आप सिर्फ जॉन बर्जर का एक बुक पढ़ो इनफ, और भी पढ़ने तो काफ़ी बुक है। पर्टिकुलरली यू मस्ट रीड दी नॉवेल्स ऑफ सो मेनी पेंटर्स, पर्टिकुलरली वैन गॉग को पढ़ो आप, वैन गॉग वॉज ए रिच एंड वेरी 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 ब्रिलियंट पर्सन, बट ही डाइड इन अ पॉवर्टी। लेकिन वो जो छोड़ के गया है वो देखेंगे आप पागल हो जाओ, यू नो। तो ये हमेशा वहाँ के पेंटर क्यों देखता हूँ, दे गेव देयर लाइफ टू पेंटिंग, वी टेक अवे लाइफ ऑफ पेंटिंग, दैट इज द डिफरेंस। इन जनरल हम पेंटिंग से कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं, वो लोग ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पेंटिंग बनाते गए रखते गए, तभी किसी ने खरीदी नहीं उनकी पेंटिंग। उनके मरने के बाद सब लोगों ने करोड़ों रुपए, वैन गॉग का एक पेंटिंग 350,000 pounds, यानी कितना मुझे मालूम नहीं, जस्ट इमेजिन। वो मरने के बाद वो खाने के लिए भूखा मरा, वो खाने के लिए उसके पास ब्रेड नहीं मिलता था, कॉफी के ऊपर ही है वो पूरा जिंदगी।
तो ये हर एक की किस्मत है समझ लो, लेकिन वो जो पीछे छोड़ के गया है वो हमारी किस्मत है। कितना बड़ा, कितना सुकून देता है। वैन गॉग, पॉल गोगिया, मातिस, रोथको, पिकासो, बहुत सारे लोग, इन लोगों ने कमाल कर रखी, कमाल की बात कर दी। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ लोग यही सोचते हैं मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, अरे ये तो कुछ पढ़ता नहीं है, तो ये क्या, इसको कुछ तो लगा देता हूँ ऑफिस में। यानी ये क्या है, अगर वो नहीं बन सकता है तो उसको पूछो क्या क्या बनना है तुझे, उसको हेल्प करो। वो नहीं करेंगे, उनको अपने डॉक्टर बने हुए बेटे के बारे में बहुत खुशी रहती है, लेकिन जो कुछ पढ़ा नहीं है उसको तो वो कुछ कीमत भी नहीं देते हैं। ये अगर एक फैमिली में ये होता है तो दुनिया में क्या होते होगा, समझो आप। जैसे मैं जी, हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देना यानी स्कूल में डालना, कॉलेज में डालना नहीं है, उनको ज्ञान देना है। कॉलेज में इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे पूछो अगर, तो ज्ञान घर में मिलता है। ज्ञान आपको आपकी मम्मी देती है, आपके पापा देते हैं, आपके चाचा देते हैं, आपके नेबर्स देते हैं, आपके फ्रेंड्स देते हैं, आपके शत्रु भी ज्ञान देते हैं आपको। तो ये बात है, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू एंटर इनटू सोसाइटी एंड हाउ यू अचीव व्हाट यू वांट। अचीव करना यानी स्टील करना नहीं है, हाउ टू गेट इट। गाय तोंडी इतना अच्छा कलर टेक्सचर कैसे बनाते हैं, मैंने बहुत देखा लेकिन नहीं बना सका, बिकॉज वो किसी के सामने करते ही नहीं थे पेंट। लेकिन एक टाइम मुझे चांस मिला उनको देखने के लिए, उन्होंने सिर्फ मुड़ के देखा, रख दिया पेंटिंग करने का। ही डिडंट वांट टू हाइड एनीथिंग, ही डिडंट वांट अ डिस्टर्बेंस, ही थॉट आई वाज डिस्टर्बिंग हिम, सो ही स्टॉप देयर। लोग सोचेंगे अरे देखो ये किसको बताते भी नहीं, कैसा कर रहे, क्यों बताएंगे। चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, उनको नहीं बताना है, क्या बुरा है उसका। माफ करना मैं ऐसे बोलूँ तो ये एक ही बीवी और मैं बोलूँ अरे यार मैं आज तेरी बीवी को पिक्चर देखने लेके जाता हूँ, अच्छा लगेगा उसको नहीं। ये अपनापन है, वो कलर को वो मुर्दा नहीं समझते, वो जिंदा समझते, ये कलर जिंदा है। इट्स नॉट ए मैटर, इट्स नॉट ए मटेरियल, इट्स ए लिविंग थिंग फॉर एन आर्टिस्ट। ही लिव्स बिकॉज ऑफ द कलर्स, ही लिव्स बिकॉज ऑफ द स्पेस ऑन द कैनवास, ही लिव्स बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद कैनवास एंड कलर्स एंड व्हाट दे। You know, there are so many aspects. He is always involved in that, and that is why he doesn't have time to talk to others and or teach others. हम तो teacher रहे, हमें बात करनी पड़े। लेकिन गायकवाड़ ने पूरे life में 10 शब्द कहे होंगे, ये समझो। इसके लिए भी ताकत लगती है। और बहुत लोगों ने बोला है कि नाटक कर रहे हैं, अपने खुद को कुछ अलग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सबको जो बोलना है बोलने को दिया, लेकिन मैं सब कुछ सोचे ना, ये ऐसा सोचता है इसको अभी देखा तो मैं कैसा करता हूँ, नहीं। ही केप क्वाइट, ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू, ये मेरा आदर्श है। मैं कहता हूँ उनको देख के, उनको मैं मिला हूँ और मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है उनके बारे में, उनको देख के ऐसा लगा मेरे को मैं पेंटिंग देख रहा हूँ, मैं आदमी नहीं देख रहा हूँ, पेंटिंग देख रहा हूँ। ऐसे भगवान भी मुझे शक्ति दे पेंटिंग हो जाने की। बिना पेंटिंग कोई अगर मैं मर गया तो मेरे जैसा कम नसीब कोई नहीं। नहीं सर, वो टॉपिक मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इस बात पे। हम लोग कभी भी आपको ऐसे सोच नहीं सकते हैं उस बारे में। सर हम शायद तक अभी एक घंटा होने वाला है तो शायद ये वीडियो कट हो जाएगा। मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ और व्यूअर्स से भी वेट करवा करने कहती हूँ कि अभी हम वापस ज्वाइन हुए जी। मैं आपको फिर से एक घंटे के
सर मैं नहीं नहीं मैं हम अभी ज्वाइन करते हैं आपको. हाँ ओके ठीक है ओके थैंक यू. वो एक घंटे होने की वजह से इंस्टाग्राम की तरफ से वीडियो कट हो जाता है तो हम फिर से लाइव आ रहे हैं सर के साथ बातचीत हम कंटिन्यू रखते हैं. नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के लाइव सेशन में. हम कोलते सर को फिर से हमारे साथ लाइव वीडियो में लेंगे और उनसे आगे की बातें करेंगे. हमें सर के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब वो जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे उनको ऐड करेंगे. तब तक आपको जो भी प्रश्न सर से पूछने हैं आप हमारे पोस्ट में जो नंबर है व्हाट्सएप का आप उसमें हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं तो हम आपके प्रश्न सर तक पहुंचाएंगे. और नंबर पोस्ट में हमारे दिया गया आप करती हूँ कि एक बार सर से बात करें वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं.